हरे कृष्णा गोलोकियंस एंड ऑल व्यूअर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज आपके साथ मैं गोलोक एक्सप्रेस की एक प्राइमरी आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। उसको हम कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, केयरिंग इज़ लव एंड लव इज़ डिवोशन। जब भी वर्ड डिवोशन या भक्ति आता है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बस ये ठनकता है कि इट्स ऑल अबाउट यार कहीं बैठ के अंधेरे कमरे में कुछ भगवान का नाम लेते रहो और पूजा करते रहो। यस नो डाउट वो भी डिवोशन का एक कंपोनेंट हो सकता है कहीं लोगों के लिए, वो भी गलत नहीं है। लेकिन हम गोलोक एक्सप्रेस में ये समझते हैं कि डिवोशन इज़ अ प्रोसेस जिससे हम अल्टीमेटली परमपिता परमात्मा को खुश करते हैं। और परमपिता खुश कैसे होंगे, उसका सिंपल फॉर्मूला है शेयरिंग इज़ केयरिंग, केयरिंग इज़ लव, लव इज़ डिवोशन। जो हमें भगवान ने दिया है, हम सबके अंदर काबिलियत है, रिसोर्सेज मिले हैं हमें, जब हम उसका कुछ हिस्सा समाज कल्याण में लगाते हैं फ्रेंड्स, तो ज़िंदगी में जो हम जॉय को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कि हम दूसरों का भला कर रहे हैं। दूसरों का भला तो हो ही रहा है, समाज कल्याण तो हो ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हम ज़िंदगी में जी क्यों रहे हैं, खुशी पाने के लिए। वो खुशी को हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम बांटते हैं। आप डॉक्टर हो तो आप गरीबों का इलाज कर दो कभी फ्री जाके, कभी विलेज में जाके ट्रीटमेंट कर दो। वकील हो तो अलग तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हो। दुकानदार हो तो आप लोगों की अलग तरह से मदद कर सकते हो। तो जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं उसमें अगर हम सर्विस का भाव ले आए तो वो शेयरिंग इज़ केयरिंग, केयरिंग इज़ लव एंड लव इज़ डिवोशन बन जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई जब लोग कहते हैं कि भक्ति का समय नहीं है। भाई जब हम सारी ड्यूटीज़ को अपनी डिवोशनली परफॉर्म करें, समाज कल्याण के भाव से परफॉर्म करें, तो हमें जॉय भी मिलेगा और उस हैप्पीनेस को हम पूरी की पूरी सोसाइटी में फैला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल जी ने एक बार एक कोटेशन कही थी कि वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। सो फ्रेंड्स, हम सब कंप्लेन करते हैं कि समाज में नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, समाज में इश्यूज़ बहुत हैं। इसमें हम सबको सोचना है कि समाज का भाग हम सभी हैं, हम ही सब लोग तो समाज को बनाते हैं। तो क्यों ना हम लोग, हम बूंद बूंद से सागर बनता है, आपने सुना होगा, कुछ कुछ छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी खुशी खुशी से करें समाज कल्याण में। उससे वर्ल्ड भी इम्प्रूव होगा और हम सबको भी हैप्पीनेस मिलेगी। सब लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम अपने बच्चों को भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इन्वॉल्व करेंगे तो बेसिकली एक तीर से बहुत सारे निशाने हो रहे हैं, अच्छी पेरेंटिंग भी हम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल 2015 कृष्ण जन्माष्टमी पे गोलोक एक्सप्रेस चंबा टीम ने सेट किया है, जहाँ कुछ डिवोटीज ने मिलके चंबा के बगल में एक छोटा सा गांव है सरोल, वहाँ लेप्रसी सेंटर है, और वहाँ के इनमेट्स के साथ उन्होंने जाके अराउंड 8-10 डिवोटीज ने चैंटिंग की और बेसिकली भगवान के विषय में उनको बताया कैसे मन की शांति मिल सकती है, कुछ प्रसाद लिया, कुछ गिफ्ट्स दिए। तो आज इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स, कुछ झलकियाँ उस एक्सपीरियंस की दिखाना चाहूँगा। हरे कृष्णा, आइए उन क्लिपिंग्स को देखें। तो हरि बोल गोलोकियंस, आज का जन्माष्टमी का दिन है और बहुत ही प्यारा दिन है। आज हम यहाँ जिला कुष्ठ चिकित्सालय सरूल में आए हैं और मेरे साथ गोलोकियंस बहुत सारे हैं। रथ को चलाने वाले स्वयं भगवान, ठीक है, और अर्जुन पीछे रथ पे बैठा है लड़ने के लिए तैयार, और घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में। लेकिन ये रथ को हमेशा हमने ये देखा, ये भगवान का रथ है, भगवान चला रहे हैं बस। और ये शायद किसी कुरुक्षेत्र में जहाँ लड़ाई हुई थी वहां का रथ है, इससे हमारा क्या लेना देना है, पत्थर टेके और आगे चले। अब मैं आपको आज बताता हूँ कि इस रथ का हमारे अपने जीवन के साथ क्या मकसद है, क्या मतलब है। तो इसलिए आपने कभी ऐसा मन में नहीं लाना कि भाई हम किस चीज में कम है, आप किसी में कम नहीं हो। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। लग गया आपका इस तरह में, है ना? ये लग बड़ा बंदा है ना। अपनी जिंदगी में सारे काम करते हुए भी अगर भगवान का नाम लेते रहे तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। अभी हम 15-20 मिनट पहले सभी से मिले तो सब मतलब सभी के चेहरे पे वो अपनी अपनी परेशानी, वो अपना वो सब चला हुआ था। लेकिन जब 15 मिनट जो हमने ये जो भजन मतलब ये जो महामंत्र का उच्चारण किया, 15 मिनट हमने जो माला की, उससे जो सारे के चेहरे घबरे के चमक सी आ गई। तो ये शक्ति भगवान में है, भगवान का नाम में शक्ति है। तो हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया और जो इनके साथ चैंटिंग वगैरह की, वो उस मतलब बड़ा अच्छा लगा हमें। आज का दिन बहुत अच्छा है, जन्माष्टमी का दिन है और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है। हरी बोल। आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ सरोवर में आके कुछ लोग रोगियों से मिले, उन्हें फूल फूल दिया। ये सब इनकी सेवा करके हमने भगवान की सेवा कर ली है। इनका श्रेय निखिल भाई को जाता है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा, वेरी गुड। और मम्मा प्रीति आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान का बर्थडे सेलिब्रेशन इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। हरी बोल। हरी बोल गोलकियंस। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब लोग बहुत ही खुश हुए, उनको सबको फ्रूट्स बांटे, चैंटिंग बॉक्स बांटे, और वो लोग तो बहुत ही खुश हुए हैं, हम भी उनके साथ बड़े खुश हुए। हरी बोल गोलकियंस, माय नेम इज वेदांत। मुझे बहुत अच्छा लगा डिस्ट्रीब्यूशन करके और सब लोग के साथ वन राउंड करके। हरी बोल गोलकियंस, माय नेम इज नियति। मेरे को भी वेदांत की तरह बहुत अच्छा लगा। हरी बोल गोलकियंस। इससे यही बात एक समझ आती है, सब लोगों के साथ मिलकर उनको बता के जो हमें खुशी मिलती है उसका आनंद ही अलग है। और आप सब लोगों को कैसा लगा? बड़ा अच्छा है। थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत अच्छा लगा ये। चलिए। सो हरे कृष्णा दोस्तों, तो ये जो झलकियाँ आपने देखी वो कृष्ण जन्माष्टमी 2015 में कैसे गोलोक एक्सप्रेस की डिवोटीज ने मिलके सरोल में लेप्रेसी सेंटर के अपने भाई बंधुओं को साथ समय गुजारा, और आप देख सकते हैं उनके चेहरे से सब लोग कितने खुश हैं। फ्रेंड्स, अब आज मैं चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई साहब जो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, इनको आपने पहले झलकियों में देखा होगा, आइए उनके विचार इस टॉपिक पे जानते हैं। कल एक अमेजिंग दिन था, सारी फैमिली के साथ जब वहाँ हम पहुँचे तो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह तो जब हुई, और जैसे इनमेट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए और उनके साथ कन्वर्सेशंस कर पाए तो बड़ा मज़ा आया। सारी फैमिली को आई कुड सी, और सारी जो टीम मेरी साथ में थी आई कुड सी ऑन देयर फेस की उन लोगों को सबको बड़ा ही अच्छा लगा। और इनफैक्ट जब इनमेट से पूछा गया तो उन्होंने भी ये रिस्पांस दिया कि हाँ बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी ज़रूर करते रहना चाहिए जिससे वो एटलीस्ट समझ पाएँ कि कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है बाकी लोगों के साथ और कैसे दूसरे की मदद करने में फ़ायदा हो सकता है। सो इस तरह की एक्टिविटी एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फैमिली के लिए बेहतर रहेगी ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़ जो इसमें से समझ आती है वो ये है कि अगर हमें भगवान ने इतनी ताकत दे रखी है, अगर उस ताकत को चाहे वो पैसे के रूप में है, चाहे वो रिश्तों के रूप में है, चाहे वो नंबर्स के रूप में है, जब तक हम उसको बांटेंगे नहीं तब तक उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो अगर हम जो हमें ताकत भगवान ने दी है या एनर्जी भगवान ने दी है उसको बांटते हैं, दैट मीन्स शेयर करते हैं, वही केयरिंग है और वही आगे चल के प्यार बनता है, और इसी को शायद डिवोशन कहते हैं। हरि बोल। सो थैंक यू नितिन भाई फॉर योर थॉट्स फर्स्ट। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, केयरिंग इज़ लव, लव इज़ डिवोशन। कुछ लोग ये हो सकता है बोलें कि हम लोग तो ऊपर वाले में मानते नहीं हैं, तो भी क्या हुआ। एक्चुअली अगर आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क को भी मानते हो तो आप अलग अपनी तरह से कर लीजिए। आप फूड प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप
गरीबों को क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हो, आप अनाथालय में मदद कर सकते हो, जैसे भी जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप वर्ल्ड के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तो खुशी मिलेगी, वर्ल्ड कल्याण भी हो जाएगा और बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। फ्रेंड्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल।